चार्ल्स डिकेंस का बहुत ही मशहूर नॉवेल है, उपन्यास है डेविड कॉपरफील्ड। और यहाँ पर डेविड कॉपरफील्ड जो ये उपन्यास है वो चार्ल्स डिकेंस का सर्वाधिक लोकप्रिय तथा उच्च प्रशंसित उपन्यास है। यह आत्मकथात्मक पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। डेविड के जीवन की कहानी उपन्यास में केंद्रीय है। संपूर्ण उपन्यास का ताना बाना इसके चारों ओर बुना गया है। स्वयं डिकेंस साहब ने कहा है कि अपनी सभी पुस्तकों में मैं इसे यानी डेविड कॉपरफील्ड उपन्यास को सर्वाधिक पसंद करता हूँ। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर एहसास हुआ है कि यहाँ पर चार्ल्स डिकेंस साहब ने इस उपन्यास के माध्यम से अपनी आत्मकथा, अपनी अर्ध आत्मकथा को व्यक्त किया है। डेविड कॉपरफील्ड जो कि डिकेंस के परिपक्व उपन्यासों की शुरुआत थी, कई स्थानों पर उसके जीवन की कहानी है। उसने प्रसिद्ध पेगोटी दृश्यों में स्थानीय रंग लाने के लिए कुछ समय यारमाउथ नामक शांत मछली पकड़ने वाले कस्बे में बिताया। 5 उपन्यासों के अतिरिक्त सब उपन्यासों के समान यह भी आरंभिक रूप में मासिक धारावाहिक के रूप में पत्रखंडों में प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास को डिकेंस की उस जीवनी के रूप में जाना जाता है। यह एक संवेदनशील परंतु बुद्धिमान बालक के संघर्षों का करुणाजनक वर्णन करता है जो कि बहुत कम आयु में अनाथ हो गया था और अनेक कष्टों और कठिनाइयों को सहकर अंत में अपने को एक सफल लेखक के रूप में स्थापित करने में सफल हो गया। उसका आरंभिक जीवन कष्टपूर्ण बीता। स्कूल में क्रिकल के साथ बिताया उसका समय, क्रिकल एक हेडमास्टर था, बड़ा ही निर्दयी था जी। उसके साथ बिताया समय उसके लिए परीक्षा की घड़ी थी। फिर उसने मड स्टोन जैसे निर्दयी सौतेले पाप और ग्रीनबी नामक शराब बेचने वाली संस्था में बड़ा दयनीय समय व्यतीत किया था। यह उपन्यास डेविड कॉपरफील्ड, इस डेविड कॉपरफील्ड उपन्यास का नायक डेविड कॉपरफील्ड है। उपन्यास का संपूर्ण कथानक डेविड के व्यक्तित्व के इर्द गिर्द घूमता है। अत्यंत कठिन परिस्थितियों में उसने अपना जीवन काल प्रारंभ किया, परंतु कुछ व्यक्तिगत मेहनत के बल पर और कुछ अपनी बुआ बेट्सी ट्रॉटवुड की मदद से, जिसको वो अपनी बुआ कहता था बेट्सी ट्रॉटवुड, वो एक्चुअल में उसके पापा की बुआ थी, लेकिन डेविड कॉपरफील्ड भी उसको अपनी बुआ कहता था। तो कुछ अपनी बुआ बेट्सी ट्रॉटवुड की मदद से वे एक ऐश्वर्यपूर्ण नागरिक, एक प्रसिद्ध लेखक तथा अपूर्व प्रतिष्ठा का धनी बन गया। अपने बाल्यकाल से ही डेविड को किताबों में बहुत रुचि थी, पढ़ने में बहुत रुचि थी। यह साहित्यिक झुकाव ही उसे संसार में प्रसिद्धि पाने में मदद करता है। वह उदार, दयालु और अपने सहयोगियों के साथ नम्र व्यवहार करने वाला था और उसकी उपस्थिति उसके चारों ओर हंसी खुशी की रोशनी बिखेर देती है। वह मिकाबर और एग्निस का मददगार था, ये पात्र हैं इसमें। वह स्पष्टवादी, संवेदनशील, सच्चा एवं एक ईमानदार युवक था। यहाँ सबसे मजे की बात यह है कि इस उपन्यास डेविड कॉपरफील्ड को यहाँ खुद नायक के द्वारा व्यक्त किया गया है, यानी नायक अपने जीवन की घटनाओं को, यानी नायक यानी हीरो, इस उपन्यास का हीरो डेविड कॉपरफील्ड है। वो अपनी शब्दों में, जैसा आप इस चित्र में देख रहे हैं, यही डेविड कॉपरफील्ड हैं।
और अपने जीवन की घटनाओं को बचपने से लेके जब वो पैदा हुए थे, कितने संघर्ष किए, कितनी कठिनाइयों से जूझे, वो अपनी आत्मकथा को व्यक्त कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये खुद लेखक चार्ल्स डिकेंस से भी संबंध रखता है। यहाँ इस उपन्यास डेविड कॉपरफील्ड को 64 चैप्टर्स में विभाजित किया गया है और इस उपन्यास का पहला चैप्टर है जिसका नाम है आई एम बॉर्न, यानी मैं जन्म लेता हूँ। यहाँ डेविड कॉपरफील्ड जन्म लेता है, जैसा आप इस वीडियो में देख रहे हो। ये जो महिला है ये बेट्सी ट्रॉटवुड हैं और ये महिला अपने घर से अपने भाई के बेटा यानी भतीजे के घर की तरफ जा रही है। आप इस महिला की आंखों में आंसू देख रहे हो, इसका मतलब है कि उसका भतीजा कॉपरफील्ड आज से 6 महीने पहले दुनिया से विदा हो गया था। अपने भतीजे को याद करती हुई वो इस गाड़ी के द्वारा देख रहे हो अपने भतीजे के घर पर पहुंचती है। और ये आप देखें, अभी गेट देखा है इस मकान का और इस गेट पर खड़ी हैं बेट्सी ट्रॉटवुड, इनके भतीजे का घर है, एंटर कर गई हैं अंदर। This then was the state of matters on what I may be excused for calling that important day. इसके बाद ये खिड़की से झांकती हैं, अंदर जो महिला बैठी हैं वो इनके भतीजे की वाइफ हैं, यानी भतीजी बहू कह सकते हो। इनका नाम है क्लारा कॉपरफील्ड। अब ये अपनी फूफस कहते हैं हम देहात में, अपनी फूफस को देखती हैं और गेट खोलती हैं और अपने बहुत ही एक प्रभावशाली व्यवहार के साथ ये एंटर कर रही हैं, आपस में बात कर रही हैं। और बता देना चाहेंगे कि जो बच्चा आज जन्म लेने वाला है डेविड कॉपरफील्ड, आपको बता दिया गया है कि इससे 6 महीने पहले इस बच्चे के पिता का देहांत हो गया था, अर्थात ये जो बुआ आई है ना बेट्सी ट्रॉटवुड, इनके भतीजे का स्वर्गवास हो गया था। और इनका जो पिता था डेविड की बुआ मिस बेट्सी ट्रॉटवुड का बहुत ही कृपा पात्र रहा था। लेकिन यहाँ एक चीज बता देना चाहता हूँ कि जो कॉपर फील्ड था, जो इस किलारा से जो लड़की दिख रही है इससे शादी करना चाह कर की थी, इनकी शादी से खुश नहीं थी इनकी बुआ बेट्सी ट्रॉटवुड। फिर भी इनकी शादी हुई। शादी के बाद डेविड के पिता के देहांत के बाद सदैव डेविड की माता पर शासन करती थी बेट्सी ट्रॉटवुड, ये शासन करती हुई दिखाई जाती। डेविड के जन्म से पहले शुक्रवार का दिन है आज दोपहर को। ये जो क्लारा कॉपरफील्ड है जो दिख रही हैं, ये कुछ अस्वस्थ जान पड़ रही है। मिस बेट्सी और इनके बीच में बात हो रही हैं। ये जो मिस बेट्सी ट्रॉटवुड है वो क्लारा से पूछ रही हैं कि जब उसका पति जिंदा था यानी कॉपरफील्ड, क्या आपके प्रति दयालु था या नहीं, क्या आपके साथ अच्छा व्यवहार करता था या नहीं। तो क्लारा कॉपरफील्ड देखो कितनी रो रही है इस बात पर,
और कहती हैं कि अपने पति की बहुत सराहना करती हैं, कहती हैं वो बहुत अच्छे थे। इसी बीच उनको बहुत पीड़ा हो रही है, पेट में दर्द महसूस हो रहा है, बच्चा होने का दर्द अनुभव कर रही हैं। तभी जो इनके पति की बुआ हैं बेट्सी ट्रॉटवुड, ये सांत्वना दे रही हैं अपनी भतीजी बहू को। जब वो देखती हैं कि दर्द बढ़ता ही जा रहा है, तभी घर में एक नौकरानी है जिसका नाम है पेगोटी, ये आई। पेगोटी क्लारा, पेगोटी नाम है इनका, भी नाम क्लारा है, क्लारा पेगोटी। और ये क्लारा पेगोटी से अपनी मालकिन के लिए चाय लाने के लिए कहती है। अब ये चाय के लिए कह रही है बेट्सी ट्रॉटवुड कि इस बच्ची के लिए चाय लाइए क्लारा कॉपरफील्ड के लिए। तो ये नौकरानी जाती हैं, ये नौकरानी नहीं बहुत ही अच्छी आदत की नारी हैं, और यहाँ पर क्लारा कॉपरफील्ड चाय पी रही हैं। अच्छा, बता देना चाहते हैं कि जो मिस बेट्सी हैं वो चाहती थी कि बेटा पैदा होना चाहिए, सॉरी बेटी पैदा होनी चाहिए। उसने डॉक्टर को बुलाया और एक चिलिप नाम का डॉक्टर आया अपने सहायक के साथ, अपने आवश्यक डॉक्टरी यंत्र लेकर। अब यहाँ थोड़ी देर बाद में आप देखोगे कि यहाँ पर ये जो मिस बेट्सी ट्रॉटवुड हैं, जो आपको दिख रही हैं वीडियो में, ये डॉक्टर को बुला के ला रहे हैं क्योंकि दर्द काफी बढ़ता जा रहा है। और इस डॉक्टर का नाम है, जैसा अभी मैंने बताया, डॉक्टर चिलिप। डॉक्टर चिलिप आ गए हैं अपने असिस्टेंट के साथ। मिस बेट्सी ने कुछ बेचैनी के चिन्ह प्रकट किए। होने वाली माता की चिकित्सा के उपरांत डॉक्टर ने बेट्सी को आश्वासन दिया कि कोई चिंता की बात नहीं है, सब कुछ सही हो जाएगा। कुछ क्षणों के उपरांत क्या देखते हैं कि एक लड़का पैदा होता है, और मिस बेट्सी को बधाई देते हैं, ये डॉक्टर साहब को बधाई देते हैं। लेकिन डॉक्टर मिस्टर जो चिलिपन जब अपनी गर्दन घुमाकर बताते हैं कि वो लड़का पैदा हुआ है, बस क्या था, ये बुआ बेट्सी ट्रॉटवुड तो बहुत सनकी हैं, ये जैसा चाहती हैं वैसा नहीं हुआ तो गुस्सा हो जाती हैं, बस इनको चिढ़ हो गई, इनको पसंद नहीं आ हुआ लड़का होना, क्योंकि वो ये चाहती है कि लड़की होनी चाहिए। तो यहाँ पर वो थोड़ी सनकी हैं, गुस्सा में आ गई हैं। और बच्चों, यह बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर ही पैदा हो गया है इस उपन्यास डेविड कॉपरफील्ड का नायक, अर्थात यूं कहिएगा इस बच्चे का नाम डेविड कॉपरफील्ड है, और इस बच्चे के नाम पर ही, डेविड कॉपरफील्ड पर ही, के नाम पर ही इस उपन्यास का नाम डेविड कॉपरफील्ड रखा गया। आप देख रहे हैं बुआ है बेट्सी ट्रॉटवुड, शायद मुझे देख के गुस्सा में चली गई है, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगा, ये चाहती थी कन्या पैदा होगी, कन्या पैदा होनी चाहिए। तो यहाँ से चली गई है गुस्सा में। ये हैं हमारे डेविड कॉपरफील्ड बच्चा, जो उनकी माँ क्लारा कॉपरफील्ड अपनी गोद में ले रही है। ये पेगोटी है इनकी नौकरानी, मिस पेगोटी। ये डेविड कॉपरफील्ड का जन्म हो गया, इस बच्चा के नाम पर ही इस उपन्यास का नाम डेविड कॉपरफील्ड रखा। यहाँ पर पहला चैप्टर खत्म होता है, आई एम बॉर्न चैप्टर खत्म हो गया, पहला चैप्टर। धन्यवाद।